अगला क्वेश्चन है सर, पीठ दर्द के लिए योगा करना कितना फायदेमंद हो सकता है? बहुत फायदेमंद हो सकता है। रादर आप देखोगे कि हमारे काफी एक्सरसाइज जो है, जो थेरेपिस्ट बताते हैं, ये योगासना से काफी मिलते जुलते हैं, उनसे ही थोड़े बहुत डिराइव भी कर चुके हैं लोग। लेकिन मैं वापस दोहराना चाहता हूं कि हर पीठ दर्द सिर्फ योगासना से ठीक हो ही सकता है, ऐसा नहीं। जैसे किसी का पीठ दर्द सिर्फ बायोमैकेनिकल पेन के कारण है, मसल स्टिफनेस के कारण है, ज्यादा बैठने के कारण है, और किसी के पीठ दर्द के कारण की मीमांसा करना जरूरी है, अंदर ट्यूबरकुलोसिस है या इन्फेक्शन है या हड्डी घिसी हुई है या ऑस्टियोपोरोसिस है, कोई हड्डी दबी हुई है, तो पहले ये रूल आउट करना है कि कोई योगासना करने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। एक एक्सरे और एक्सपर्ट ओपिनियन जांच कर लो, डायग्नोसिस करो, और फिर वो आपको बताएंगे कि कौन से योगासना करना है। जैसे कि किसी को अगर स्लिप डिस्क की शुरुआत है, नस पे दबाव नहीं लेकिन डिस्क घिसी हुई है, तो आगे झुकने के जो योगासना होते हैं, जैसे पश्चिमोत्तासन हुआ, उसमें ज्यादा लोड आके स्लिप डिस्क खराब हो सकती है। उसमें एक्सटेंशन के आसन जो है, जैसे भुजंगासन है, अर्धचक्रासन है, वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो जरूरी है कि आप पहले डायग्नोसिस करो और फिर योगासना जरूर फॉलो करो। मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सालों साल योगा कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद उनको स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क होती है, कई बार नस पे ज्यादा दबाव आता है। जैसे 3 महीने पहले ही मैंने एक योगा टीचर थे, उनकी सर्जरी उनको करनी पड़ी, तो उनको वही क्वेश्चन होता है दिमाग में कि मैं इतने साल योगा कर रहा हूँ फिर मैं ये तकलीफ मुझको क्यों हुई। तो एक बात ध्यान में रखिए आप कि घिसावट होना, स्लिप डिस्क होना, स्पॉन्डाइलोसिस होना, ये एक शरीर में बदलाव है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हरदम आप सालों साल चिरतरुण रहोगे या हरदम उतने ही जवान रहोगे, फिट रहोगे। दूसरा, फिटनेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्यूरेंस, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, चारों चीजों चाहिए। सिर्फ किसी एक टाइप के एक्सरसाइज से सब कुछ नहीं होता, तो इसीलिए आपके प्रोफेशन के अनुसार आपको मल्टीपल चीजें भी शायद करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, न्यूट्रिशन, प्रॉपर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, प्रॉपर रेस्ट, और आपके शरीर के अनुसार ये सब एडजस्टमेंट्स, प्रोफेशन के अनुसार ये सब एडजस्टमेंट, ये भी जरूरत है। किसी एक चीज से आप हमेशा फिट रहना ये संभव नहीं है।